अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डीके टीवी के साथ इरफान। आपको बताते हैं शोबिज़ के कुछ ऐसे गहरे राज जो आपने कभी सुने ना होंगे। हमारी वीडियो को पूरी देखें। नंबर वन पर, जैसा कि आप जानते हैं, सोनम कपूर अनिल कपूर की बेटी है। सोनम ने शादी के लिए अमीर बिजनेसमैन ढूंढा है। सोनम के शोहर आनंद ओझा हैं, उनकी उम्र 37 साल है और उनकी इनकम का हिसाब लगाया जाए तो वो कम से कम 3000 करोड़ पे बनती है। नंबर दो, जूही चावला अपने वक्त में बॉलीवुड पर राज करने वाली अदाकारा है। जूही ने मेहताब ग्रुप के मालिक जय मेहता से शादी की। जय मेहता का यूएसए में और अफ्रीका जैसे ममालिक में काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी इनकम का हिसाब लगाया जाए तो वो कम से कम 4000 करोड़ पे बनती है। जय मेहता जूही से उम्र में 7 साल बड़े हैं। नंबर चार पर, रानी मुखर्जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रानी मुखर्जी बॉलीवुड की क्वीन कहलाती हैं। रानी ने यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा से शादी की। आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड के सबसे बड़े अमीर प्रोड्यूसर हैं। आदित्य चोपड़ा की इनकम लगभग 500 करोड़ रुपये है। नंबर पाँच पर, शिल्पा सेठी बॉलीवुड में हॉट गर्ल के नाम से जानी जाती है। शिल्पा ने इंग्लैंड के बड़े बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की और राज कुंद्रा ने शिल्पा से दूसरी शादी की। राज की सालाना इनकम 700 करोड़ पे है। नंबर छः, विद्या बालन। हाल ही में विद्या बालन ने सिद्धार्थ रॉय से शादी की। सिद्धार्थ इंडिया के वॉल सिडनी मैनेजर डायरेक्टर हैं। उनकी सालाना इनकम लगभग 50 करोड़ रुपये है। नंबर सात, प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा बॉलीवुड की डिंपल गर्ल है। प्रीति जिंटा ने शादी के लिए एक अमरीकी चुना। उनके शोहर लॉस एंजलस के रहने वाले हैं। उनकी सालाना इनकम की बात की जाए तो वो 3000 करोड़ पे बनती है। ये पेशे से एक बिजनेसमैन भी हैं। नंबर आठ, ईशा देओल हेमा मालिनी की और धर्मेंद्र की बेटी है। ईशा ने शादी के लिए डायमंड बिजनेसमैन ही चुना। ईशा और उनके शोहर भरत बचपन से ही दोस्त हैं। डायमंड का कारोबार भरत का ख़ानदानी कारोबार है। भरत की इनकम 200 करोड़ पे है और उनके दो बच्चे भी हैं। नंबर नौ, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया ने फरहान आज़मी से शादी की, जो कि इंडिया के बहुत बड़े सियासतदान अबू हाजमी के बेटे हैं, जो कि बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट के मालिक हैं। अबू आल की इनकम सालाना 200 करोड़ रुपये बनती है। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।